चलो आज हम बेटा करेंगे सीबीएसई का सैंपल पेपर। ये पेपर आप आई थिंक आपके ग्रुप में भी डल गया होगा। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं किस तरह का पैटर्न है, क्या है, फिर हम क्वेश्चन को साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे जो फिजिक्स पार्ट के अंदर है। तो सबसे पहले है बेटा, पैटर्न के हिसाब से हमारे पास टोटल है 39 क्वेश्चंस। टोटल रहेंगे 39 क्वेश्चन, जिसमें पांच सेक्शन बनेंगे, यानी ए बी सी डी करके। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन सारे कंपलसरी हैं, कुछ इंटरनल चॉइसेस हैं। इंटरनल चॉइसेस का मतलब क्या होता है कि जैसे दो क्वेश्चन के बीच में और है, या फिर तीन क्वेश्चन दे दिए, तीन में से कोई दो करने होंगे, इस तरह की चॉइसेस आपको मिलेंगी। इसके बाद सेक्शन ए में सारे के सारे एमसीक्यू फॉर्मेट क्वेश्चन हैं, जिसमें 1 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद वीएसए यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, जिसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। 30 to 40 वर्ड्स के अंदर हमें उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, और 50 to 80 वर्ड्स यानी थोड़े से लॉन्ग टाइप ये रहेंगे। और लास्ट हमारे पास 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें 80 to 120 वर्ड एक्सप्लेनेशन रहेगी। ये हमारा सेक्शन जो है वो सारा का सारा सब्जेक्टिव है। ये सेक्शन हमारा ऑब्जेक्टिव है, जिसमें चॉइसेस होंगी, ऑप्शंस के हिसाब से हमें आंसर देना है। लास्ट सेक्शन लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें आपको एक सोर्स बेस या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, एक पैराग्राफ उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। पर यहाँ इंग्लिश की तरह नहीं है कि उस पैराग्राफ में से आपको आंसर मिल जाए, एक दो के आंसर मिल सकते हैं, बाकी आंसर आपको कंसेप्ट के हिसाब से एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर पे कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री का है, जिसमें एक सॉल्यूशन और इसके बेस दे रखा है, वो केमिस्ट्री का टीचर एक्सप्लेन करेगा बेटा। इसमें फिर केमिस्ट्री का क्वेश्चन है रिएक्शन बेस। टोटली एमसीक्यू है, 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको लेना है। अब चलते हैं हम फिजिक्स के क्वेश्चन पे। ये बायो आ गई, तो लगभग ये ओरिएंट करके रखेंगे कि केमिस्ट्री बायो फिजिक्स इस तरह का अलग अलग सेक्शन वाइज डिवाइड होगा। यहाँ से हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन शुरू होते हैं। चलो देखो बेटा किस चैप्टर से है ये क्वेश्चन, वो भी हम देखेंगे। हमारे पास एक कंप्लीट सर्किट है, जिसके अंदर लेफ्ट ओवर सेवरल मिनट यूजिंग कनेक्टिंग कॉपर वायर टू बिकम्स हॉट, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस का क्या होगा। तो ये क्वेश्चन है बेटा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, कंसेप्ट इसमें क्या यूज हुआ, कंसेप्ट हुआ फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, ये सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर है, कुछ एक क्वेश्चन कई बार इसमें आ भी जाते हैं। तो यहाँ बात हो रही है किसकी, एक अलॉय की, यानी एक कॉपर वायर की, एक मेटल की। ठीक है, तो मेटल में हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू किसके होता है, टेम्परेचर के। ठीक है, यानी अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, रेजिस्टेंस भी इस केस में इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या रहेगा, सी रहेगा ऑफिशियल के हिसाब से। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कॉपर वायर है जिसको हमने बिटवीन द पोल्स ऑफ मैग्नेट रखा है। इस तरह से एक वायर है जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है। तो इसमें हमसे पूछा गया है क्या, द करंट इन द वायर कैन बी रिवर्स, उसको हम चेंज कर सकते हैं। द पोल्स ऑफ मैग्नेट कैन बी चेंज ओवर, उससे पोल ऑफ मैग्नेट तो बदलता ही, हमने पढ़ा ही है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। इन हाउ मैनी वेज, 4 डायरेक्शन शोन इन हाउ मैनी। ठीक है, तो कितनी डायरेक्शन में हमारे पास डायरेक्शन ऑफ फोर्स मिल सकती है। देखो अगर हम बात करें यहाँ फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की, तो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है उसके हिसाब से क्या होता है कि आपको डायरेक्शन जो मिलेगी करंट मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से फोर्स की। ठीक है, ये एक डायरेक्शन मिलेगी जब करंट एक डायरेक्शन में फ्लो। अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दें तो एक और डायरेक्शन मिल जाए किसकी, फोर्स की। यानी मैक्सिमम हमारे पास कितने डायरेक्शन पॉसिबल है फोर्स की, 2 डायरेक्शन पॉसिबल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। नेक्स्ट चलते हैं इससे आगे, फिर से एक इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्या दिया इस क्वेश्चन में कि एक मेटल ओर है, इसके ऊपर प्लास्टिक इंसुलेशन है जैसे नॉर्मल वायर होती है। इसके आगे क्या बोला कि प्लास्टिक इंसुलेशन सराउंड द वायर हैविंग डायमीटर डी है, जिसका लेंथ इसकी एल है, एज शोन अबव। ए डिक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर वुड बी प्रोड्यूस बाय इंक्रीजिंग, तो रेजिस्टेंस में किस तरह से इफेक्ट आएगा। तो ये फिर से क्वेश्चन फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस के ऊपर दिया। तो हमें पता है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लेंथ होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एरिया, या कहें तो डायमीटर के स्क्वेयर के बराबर होता है। तो यहाँ क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड करें, डिक्रीज इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कब घटेगा,
पहला, अगर हम इंक्रीज करें लेंथ को, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। डायमीटर ऑफ द वायर को क्या करो, इंक्रीज करो, हाँ ये पॉसिबल है, ठीक है। टेम्परेचर के अभी किया था बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और प्लास्टिक इंसुलेशन की थिकनेस इंक्रीज करने से इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा इसका, डायमीटर ऑफ द वायर। नेक्स्ट मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन है, क्या दिया है, इनमें से कौन सा फॉलोइंग पैटर्न करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो पैटर्न है जो करेक्टली डिस्क्राइब करता है एक स्ट्रेट वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि स्ट्रेट वायर के अराउंड कैसे बनते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल बनते हैं, ठीक है। तो पहला स्ट्रेट लाइन कह रहा है ठीक नहीं है, दूसरा स्ट्रेट लाइन कह रहा है ये भी ठीक नहीं है, रेडियल लाइन कह रहा है ये भी ठीक नहीं है, लास्ट ऑप्शन हमारा डी क्या कह रहा है, कंसेंट्रिक सर्कल कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमने देखे दो क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी के, दो ही क्वेश्चन हमारे मैग्नेटिक इफेक्ट के हैं। आगे चलते हैं हम इससे नेक्स्ट में। अब है अर्शर्सन रीजन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार बच्चों के किए नहीं होते। अर्शर्सन रीजन में क्या होता है बेटा, दो स्टेटमेंटें होती हैं, एक स्टेटमेंट अर्शर्सन, दूसरी स्टेटमेंट रीजन। यहाँ आपको इन चार ऑप्शंस के हिसाब से आंसर देना है, पहला दोनों ठीक हो, दूसरा करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा उसको, ठीक है, दूसरा करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा हो लेकिन स्टेटमेंट हमारी दोनों ठीक है, ये ट्रू है ये फॉल्स है, और ये फॉल्स है ये ट्रू है। तो इन ए बी सी डी के हिसाब से हमें इसको आंसर भी देना होगा, ठीक है। इसमें आपको अलग से कोई एम सी क्यू भरने के लिए कोई ओमार वगैरह नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिख के उसका जो ऑप्शन होगा वो आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन को। इसमें हमारे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन है इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट से। क्या दिया है, एक फ्रीली सस्पेंडिंग करंट कैरिंग सोलेनोइड जो है वो कम्स टू रेस्ट इन ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। सही है कि अगर हम एक करंट कैरिंग सोलेनोइड के अंदर रखें तो वो नॉर्थ और साउथ की तरफ डायरेक्शन दिखाएगा, ये सही है। अगला क्या कह रहा है, वन एंड ऑफ द कनेक्ट कैरिंग बिहेव एज ए नॉर्थ पोल और सेकंड बिहेव करता है एज ए साउथ पोल जस्ट लाइक ए बार मैग्नेट। तो ये बात दोनों ही इसकी सही है और नॉर्थ साउथ की तरफ डायरेक्शन दिखाने का कारण भी इसका सही है, तो सब कुछ सही है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे क्योंकि ये एक्सप्लेन भी सही कर रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। चलो नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन बी, जिसमें है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें यहाँ तक हमारे बायो और इसके क्वेश्चन हैं, अब आते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये अब शुरू हो गए लाइट के बेस क्वेश्चन, ये है 2 मार्क्स के क्वेश्चन। क्या दिया है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में, इसमें हमें दो क्वेश्चन दिए, इंटरनल चॉइस हो गया ना, और दिया है मतलब हम एक क्वेश्चन इसमें से कर सकते हैं। स्टेट द फिनोमिना ऑब्जर्व इन द अबाउट डायग्राम, इस डायग्राम से हमें कौन सा फिनोमिना देखने को मिला। तो यहाँ क्या आ रहा है, रेडिएशन आ रही है सन से, यानी एक वाइट लाइट है। ये वाइट लाइट जो है वो कलर्स में डिवाइड हुई, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं बेटा, डिस्पर्जन, ठीक है। तो यहां हमें डिस्पर्जन का फिनोमिना देखने को मिला। नेक्स्ट, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द डायग्राम विच व्हेन टू लाइट मेंशन अबव विल हैव द हाईएस्ट वेवलेंथ, इसमें से किसकी वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट होगी, ठीक है। तो जब हम डिस्पर्जन करेंगे तो वहां हम कहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एंगल ऑफ डेविएशन, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू किसके, वेवलेंथ के। तो जो कलर ज़्यादा डेविएट होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, लेस होगी, ठीक है। यानी हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि ब्लू कलर या ब्लू लाइट है वो लेस वेवलेंथ कंपेयर टू येलो लाइट। तो ये हमने डेविएशन के बेस पे एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। चलो इससे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है और के ऊपर, ये लाइट चैप्टर से है, ठीक है। ये ह्यूमन आई चैप्टर जो है उसमें डिस्पर्जन हम करेंगे, तो वहाँ से ही क्वेश्चन दे रखा है। हाउ विल यू यूज टू आइडेंटिकल प्रिज्म सो दैट ए नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट इंसिडेंटेड ऑन वन प्रिज्म इमर्जेड आउट फ्रॉम द सेकेंड एज ए वाइट लाइट, इसका डायग्राम बनाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, टेक ए प्रिज्म एंड थ्रो ए वाइट लाइट ऑन इट, इट इज डिवाइडेड इंटू 7 कलर। नाउ प्लेस एन इन्वर्टेड प्रिज्म, सेकेंड प्रिज्म कैसा रखना है, इन्वर्टेड रखना है। दिस 7 लाइट्स देन रिकम्बाइन टू फॉर्म ए वाइट लाइट।
तो ये न्यूटन एक्सपेरिमेंट था जिसने ये सजेस्ट किया कि वाइट लाइट जो है वो 7 कलर की कम्बिनेशन है। तो डायग्राम से हमने एक्सप्लेन कर दिया और सारे पॉइंट हमारे बिल्कुल यहाँ तक सही हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं इससे आगे। अब आया सेक्शन सी, इसमें सिर्फ हमारा एक ही क्वेश्चन था लाइट चैप्टर से, ह्यूमन आई चैप्टर से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन ये रहा, ये हमने मिरर के ऊपर क्वेश्चन किया, जो हम मिरर कर रहे थे उसी के ऊपर क्वेश्चन है, थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप दे रखा है। चलो देखो, क्वेश्चन दिया है कि रोहित वांट टू हैव एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग कन्वर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर होता है बेटा कन्वर्जिंग? कनकेव की कन्वेक्स, बोलो जल्दी से। विच मिरर इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर, बताओ। किस मिरर को बोलते हैं बेटा कन्वर्जिंग मिरर? कन्वर्जिंग का मतलब जो रेज को कन्वर्ज करे, तो ये कौन सा है? कनकेव। कनकेव मिरर से रेज क्या होती है? एक पॉइंट पे इकट्ठी होती है, तो ये हमारे पास कनकेव मिरर है। इसकी फोकल लेंथ कितनी है? 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। स्पेसिफाई फर्स्ट आंसर है, स्पेसिफाई द रेंज ऑफ डिस्टेंस वेयर द ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट टू गेट, स्पेसिफाई द डिस्टेंस, रेंज ऑफ डिस्टेंस वेयर द ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, कहाँ कहाँ हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। तो कनकेव मिरर को हम ऑब्जेक्ट में प्लेस कर रहे हैं, लेकिन हमें इमेज कैसी चाहिए? इरेक्ट चाहिए। तो वो सिर्फ एक ही जगह मिलती है, कहाँ? जहाँ लेस देन एफ हो। तो हम इसको 40 सेंटीमीटर से लेस के डिस्टेंस पे रख सकते हैं, क्योंकि उसी केस में एक वर्चुअल इमेज मिलेगी। इसका हमें एक रे डायग्राम भी देना है, ठीक है। तो हमने कनकेव मिरर लिया, ये हमारा पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया यहाँ। पहली रे पैरेलल जाएगी, फोकस से पास होगी, सेकंड रे मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा दी, तो इसकी ये इरेक्ट इमेज हमें पीछे देखने को मिलती है। ये हमने कनकेव मिरर के केस में किया भी था। इस मिरर का कोई एक यूज़ बताना है बेस्ड ऑन अबाउ काउंट ऑफ इमेज फॉर्मेशन। तो इस मिरर का हम यूज़ करते हैं इस सिचुएशन में डेंटल मिरर की तरह, ठीक है। तो कनकेव मिरर का हमने यूज़ भी बता दिया, सारे पॉइंट्स एक एक नंबर के, तो 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा 31st, ये दिया है रिफ्लेक्शन से, ठीक है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है हमें मैग्नीफाइंग ग्लास यानी रिफ्रैक्शन से। तो न्यूमेरिकल देंगे लेकिन एक सिंपल कंसेप्ट के ऊपर देंगे, ठीक है। देखो क्या दिया क्वेश्चन में, एक हमारे पास लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, यूज बाय डेवी श्री, ये एक नाम है, इन द लेबोरेटरी एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास। तो मैग्नीफाइंग ग्लास में हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? इससे हम यूज करते हैं कन्वेक्स लेंस, ठीक है। आगे, हर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन कितना है? 25 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैग्नीफिकेशन ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द ग्लास? तो ग्लास से कितनी मैग्नीफिकेशन अचीव हो सकती है वो हमें बताना है, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन कैसे निकालें? तो मैग्नीफिकेशन निकालने का फॉर्मूला आएगा बेटा 1+D/F, ठीक है। डी कितना है? डी है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन, तो 1+25 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ है बेटा 5, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 6 की मैग्नीफिकेशन इससे अचीव हो सकती है, ठीक है। सी कीप्स ए बुक एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम एन आई एंड ट्राइज टू रीड, सी इज अनेबल टू रीड, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? देखो, वो चाहती है कि उसकी मैग्नीफाइड इमेज उसको मिले, लेकिन फिलहाल जो उसका यू है वो है 10 सेंटीमीटर और एफ जो है वो है 5 सेंटीमीटर। तो यूज इट एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास, हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा? हमें ऑब्जेक्ट को कम से कम लेस देन एफ पे रखना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? बिटवीन एफ एंड 2F, तो उस सिचुएशन में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें डिस्टेंस कितना मिलेगा, इस पे एक मैग्नीफाइड इमेज नहीं मिल सकती, ये इसका रीजन रहेगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम। इसमें एक और क्वेश्चन भी अटैच है साथ में, क्या बोला क्वेश्चन में कि रवि जो है उसने एक डिस्टेंस पे रखा बुक को 10 सेंटीमीटर, हरी जो है वो इससे रिटर्न इन द बुक्स नहीं पढ़ सकता, गिव रीजन फॉर दिस। तो सेम ही आंसर है, क्योंकि फोकल लेंथ इसकी
5 सेंटीमीटर है, लेकिन ये उसको कहाँ रख रहा है, 10 सेंटीमीटर पर रख रहा है। तो 2F पे भी ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसको कम से कम कितने पे लाना पड़ेगा, हमें उस डिस्टेंस के ऊपर लाना पड़ेगा, कितना, लेस देन F पे। चलो ये क्वेश्चन थे हमारे इसके ऊपर। नेक्स्ट हम चलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट के क्वेश्चन पे। क्या दिया इस क्वेश्चन में, एक स्टूडेंट है जिसने फिक्स की वाइट सीट ऑफ पेपर ऑन ए ड्राइंग बोर्ड, ही प्लेसेस ए बार मैग्नेट इन द सेंटर, स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग यूनिफॉर्मली अराउंड द बार मैग्नेट, द टैप्स जेंटली एंड ऑब्जर्व द आयरन फिलिंग अरेज देम इन ए सर्टेन पैटर्न, व्हाई डू आयरन फिलिंग अरेज देमसेल्फ इन पर्टिकुलर पैटर्न, बिकॉज देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग एट दैट पॉइंट विच अरेंज द आयरन पाउडर इन दैट पैटर्न। ठीक है, तो आयरन पाउडर उस पैटर्न में बेटा सेट हो गया। इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी इंडिकेट करता है पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट, तो फिजिकल क्वांटिटी का नाम है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इससे डिनोट होती है। हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कोई दो प्रॉपर्टी बतानी है, तो पहली प्रॉपर्टी, दे ट्रेवल, दे फॉर्म क्लोज कॉन्टिन्यूस लूप, कोई भी दो प्रॉपर्टी आप बता सकते हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं कि यही दो प्रॉपर्टी हो, क्लोज कॉन्टिन्यूस लूप होगा, सेकंड दे ट्रेवल। अब यहां दो तरीके से ट्रेवलिंग होगी, पहला अगर बात करें इनसाइड द मैग्नेट तो ये होती है साउथ टू नॉर्थ, और अगर आप बात करो आउटसाइड की तो ये हो जाएगी नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो कोई भी दो प्रॉपर्टी आप बता सकते हो, दो के बजाय आप तीन भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उससे आपका अगर मान लो एक प्रॉपर्टी गलत भी हो तो भी आप उस चीज़ को बेटर अजम्पशन कर पाओगे। नेक्स्ट, इसी के और में एक क्वेश्चन दिया, यानी इन दो क्वेश्चन में से हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं जो भी हमें ईजी लगे। एक कंपस नेडल को प्लेस किया गया नियर ए करंट कैरिंग वायर, स्टेट योर ऑब्जर्वेशन ऑन द फॉलोइंग केसेस, गिव रीजन फॉर द सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज करते हैं। तो इसमें हमारा फार्मूला बी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू करंट होता है, व्हेन द करंट इज इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड आल्सो इंक्रीजेस, हेंस द मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन इन द कंपस विल बी हायर। ठीक है, कंपस नेडल को डिस्प्लेस किया गया अवे फ्रॉम द वायर, तो हमने पढ़ा है बी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शन टू डिस्टेंस होता है, जितना आप डिस्टेंस बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही क्या होगा, वीक होगा, तो डिफ्लेक्शन जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे बेटा हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन अप टू सेक्शन सी में, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव था। अब आपके लिए नया आता है जिसमें सेक्शन डी। ठीक है, सेक्शन डी में हमारे पास 5 मार्क्स क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी में कोई क्वेश्चन है तो, ये केमिस्ट्री से है, ये हो गया बायोलॉजी से, यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, क्या दिया है इस क्वेश्चन में कि हमें एक सिस्टमेटिक डायग्राम दिया हाउस होल्ड सर्किट का, कोई भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन या इस तरह का कुछ हो सकता है। हाउस शोन करता है अबाउट डायग्राम में, जिसमें 5 फ्यूजेबल स्पेसिस हैं, जिसमें कनेक्शन मेड किया गया, सप्लाई जो है वो 220 वोल्ट से कनेक्टेड है, नेट करंट रन इतना है। ठीक है, वट इज़ द मोड ऑफ कनेक्शन इन दिस सिचुएशन, तो इस कनेक्शन में मोड ऑफ सिचुएशन क्या है। देखो यहाँ हर रूम जो है वो अलग अलग वायर ले हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ जो कम्बिनेशन है वो कैसा कम्बिनेशन है, पैरेलल कम्बिनेशन या पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ अप्लाइंसेज है। ठीक है, तो मोड ऑफ कनेक्शन उन्हें बता दिया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, स्पेसिस जो हमने यहाँ 5 और दूसरा क्या कहा है 4, ये दो परमिसेस हैं जिसमें क्या कहा गया, सेम रेजिस्टेंस है, द सेम 3 and 2 हैव ए रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 20 and 30, स्पेस 1 जो है जिसमें रेजिस्टेंस डबल है किससे, स्पेस 5 से। तो अगर हम बात करें थोड़ा सा सिस्टमेटिकली इसको अरेंज करें, तो 5 and 4 इन दोनों का रेजिस्टेंस है कितना 20 ओम, जो 2 and 3 है उनका रेजिस्टेंस है कितना 30 ओम, और जो स्पेस 1 है उसका रेजिस्टेंस क्या है, डबल दैट ऑफ स्पेस 5। तो स्पेस 5 का अगर 20 है तो इसका कितना हुआ, 40 ओम हुआ। ठीक है, अब क्या करना है वो चीज़ देखते हैं, वट इज़ द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द स्पेस 5, तो स्पेस 5 का नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, स्पेस 5 का नेट रेजिस्टेंस हमने कहा है क्या होगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, वट इज़ द करंट इन स्पेस 3,
स्पेस थ्री में करंट कितना है। तो स्पेस थ्री में करंट निकालने के लिए पैरेलल कम्बिनेशन है, वोल्टेज सेम होगी, तो आई हम निकालें तो फार्मूला क्या रहेगा, वी डिवाइडेड बाय आर के, वी है बेटा 220 डिवाइडेड बाय स्पेस थ्री का रेजिस्टेंस कितना है 30 ओम है, तो 30 से हम डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 22/3 एम्पियर इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द प्लेस बिटवीन द मेन कनेक्शन एंड रेस्ट ऑफ द हाउस होल्ड सर्किट टू सेव द एक्सीडेंटल डैमेज ऑफ द हाई करंट। तो इस सिचुएशन में हम क्या लगाएंगे, एक सेफ्टी डिवाइस, ठीक है, और वो सेफ्टी डिवाइस क्या होगी बेटा, फ्यूज वायर और एमसीबी विच प्रिवेंट अस फ्रॉम हाई करंट, ठीक है, तो डैमेज से वो प्रिवेंट कर सकता है। ये थे 5 मार्क्स क्वेश्चन में जिसमें स्पेस के हिसाब से वो डिवाइडेड थे। जैसे 4 क्वेश्चन क्या कर रहे हो, ठीक है, तो इस तरीके से ये डिवाइडेड रहेगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं इससे आगे। अब आता है बेटा हमारे पास केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। यहां तक तो ये क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, ये क्वेश्चन भी सेम और में दिया है, ये हो गया उसके लिए। अब चलते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, एक बार इस पैराग्राफ को हम रीड आउट करते हैं क्या इस कंडीशन में है और किसकी एप्लीकेशन दे रखी है। द अबव इमेजेस आर द स्पेशलाइज्ड स्लाइड्स आर स्मॉल ट्रांसपेरेंसीज माउंटेड इन द स्टडी फ्रेम, जिसमें प्रोजेक्टर में हम ये चीज़ यूज करते हैं, ठीक है, पहले फिल्म प्रोजेक्टर चलते थे, फिल्म के ऊपर वो भी स्क्रीन होगी, ये इसके सामने आएगा और इसकी एक इमेज हमें स्क्रीन पर मिलती थी, ठीक है। Suited for the magnification projection since they have very high resolution, high image quality. There is a tray which slide put on the, ये उसी reference के बारे में बताया गया, ठीक है। To show the student the image inspects, he investigated that Mr. Iyer wrote a slide projector. Her floor slide produces a 500 time enlarged image. ये क्या है, ये उसका magnification है, कितना 500, ठीक है। And inverted image on the slide which is 10 meter away. तो इमेज का डिस्टेंस कितना है, वो है 10 meter, ठीक है। अब देखते हैं आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें इस सिचुएशन के लिए। तो पहला क्वेश्चन दिया बेटा इसमें, इसमें भी एक इंटरनल चॉइस है, सी में से हम कोई भी दो में से एक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो डाटा था वो डाटा मैं एक बार लिख लेता हूँ, एम की वैल्यू थी कितनी 500 और जो स्क्रीन का डिस्टेंस था वो था 10 meter इसमें, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, बेस्ड ऑन द टेक्स्ट एंड द डाटा गिवन आर द प्रोग्राम व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज यूज इन द प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर में हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, तो ये कल हमने किया था क्या कि इस तरह का कोई लेंस हो, ये लाइट इसके ऊपर गिरे और ये लाइट को फैला दे स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो कौन सा लेंस होगा बेटा, कनकेव लेंस, तो इसमें हम कनकेव लेंस का यूज करेंगे, ठीक है। V is the symbol used for the image distance. U is the distance for the what region would you state with the sign of V by U. तो V by U के रेस्पेक्ट में आप क्या कहेंगे, तो इसमें हमें इमेज क्या मिल रही है, स्क्रीन पे, स्क्रीन पे इमेज मिल रही है, मतलब कैसी इमेज है, रियल इमेज है, और रियल इमेज के लिए M का साइन कैसा होता है बेटा, नेगेटिव की पॉजिटिव, M के लिए इसका साइन होता है नेगेटिव, तो इसके लिए साइन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट C, एक स्लाइड प्रोजेक्टर है जिसमें कन्वेक्स लेंस लगा है, फोकल लेंथ उसकी 20 है, स्लाइड को प्लेस किया गया अपसाइड डाउन 21 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, हाउ फार शुड द स्क्रीन बी प्लेस फॉर द स्लाइड प्रोजेक्टर टू सीन इट इज फोकस्ड, ठीक है। अब हमें एफ दिया है कितना, एफ दिया है हमें 20 सेंटीमीटर, कन्वेक्स लेंस है तो एफ का साइन प्लस का आएगा, ठीक है। वी जो है उसका साइन आप प्लस का लो क्योंकि रियल इमेज है, ये कितना है 21 सेंटीमीटर है, हमें इसके लिए यू की वैल्यू 21 सेंटीमीटर है, यू का साइन माइनस का आता है, वी की वैल्यू यानी स्क्रीन कितना डिस्टेंस पर रखना है वो कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला हम लगाते हैं 1/V - 1/U = 1/F के, वी निकालना है, यू की वैल्यू है 21 प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 1/F है 20, सारा डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, ठीक है। सोल्व कर देंगे 1/V = 1/20 - 1/21, एलसीएम लिया मैंने कितना आया, ये आ गया बेटा 420, ठीक है, ये 21 हुआ ये -20, तो V मुझे कम से कम 420 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा, स्क्रीन का डिस्टेंस कम से कम इतना होना चाहिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, स्लाइड को प्लेस किया गया 50 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस, U की वैल्यू है बेटा कितनी -15,
ठीक है, मैं इसको एक बार दोबारा कर लेते हैं। चलो, इसमें एक ऑप्शन के साथ एक और क्वेश्चन है, क्या दिया है, स्लाइड जो है कितने डिस्टेंस पे है बेटा, वो कम से कम 15 सेंटीमीटर पे है, तो यू की वैल्यू है -15 सेंटीमीटर। इमेज फॉर्म हुई 3 मीटर, तो वी की वैल्यू है -300 सेंटीमीटर। बस ये चीज ध्यान रखनी है क्योंकि मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 14 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ड्रा एरे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन द अबव केस। अब देखो यहाँ लेंस कौन सा है, लेंस है इसके केस में कन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ जो है वो है 14, ऑब्जेक्ट जो है वो है 15 पे, तो यहाँ ध्यान रखना कहाँ ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे, ये छोटी सी गड़बड़ ना हो, वैसे तो नोट टू स्केल है लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो 14 से ज़्यादा डिस्टेंस हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पहली रे पैरेलल, पैरेलल रेज किससे पास होती है, फोकस से, ये कल डायग्राम ने किया भी था, दूसरी मैंने ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दी, तो इसकी इमेज कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी, ये हुआ कनकेव लेंस में, ठीक है। अब अगर इसको हम कन्वेक्स लेंस के केस में करें, तो स्लाइड ही है वैसे, तो स्लाइड के केस में हम कन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे, तो कन्वेक्स लेंस में ये है एफ, ये है 2F, इसके बीच ऑब्जेक्ट रखें, पहली रे पैरेलल फोकस से पास हो जाएगी, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से, तो इसकी इमेज हमें 2F से पीछे डिस्टेंस पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमें ये वाला करना है क्योंकि स्लेंट के केस में हम कन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे। तो ये है बेटा इसके लिए, इसमें आपको आंसर्स भी दिए हैं, ठीक है, तो ये फाइल आप एक बार अच्छे से रीड आउट कर लें, इसमें हमें आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे स्टेप्स मार्किंग है, आप इतना लिखोगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, इतना लिखोगे तो उसके बाद आपको 0.5 में डिवाइड हो जाएगा वो नंबर, ठीक है, तो वो चीज़ थोड़ी सी हेल्पफुल हो जाती है जब पेपर चेकिंग होती है, तो यही सीट जो है वो एग्जामिनर रखता है, जितना आपने अटेम्प्ट किया उस हिसाब से फिर आपको मार्किंग इसमें मिलेगी, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने CBSE का ऑफिशियल सैंपल पेपर डिस्कस किया, बाकी के लिए हम चलते हैं फिर अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही।